जब कोई मोमिन दुनिया से जाता है तो 40 रोज़ तक ज़मीन भी उसकी जुदाई में रोती है। तो ऐसे लोग, ऐसी हस्तियाँ लोगों के लिए बाईस से बरकत होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा गुलाम हुसैन साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का अभी विसाल हुआ। बड़ी कदावर शख्सियत थे, बहुत मुत्तकी परहेज़गार। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह उनको अपने जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए। जब कोई मोमिन दुनिया से जाता है तो 40 रोज़ तक ज़मीन भी उसकी जुदाई में रोती है। तो ऐसे लोग, ऐसी हस्तियाँ लोगों के लिए बाईस से बरकत होती हैं। और जब कोई ऐसी हस्ती दुनिया से जाती है तो लोग उन बरकतों से महरूम हो जाते हैं। तो फिर उनके लिए मग़फ़रत दुआ करें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला उनके सदक़े उनकी भी हाजतों को रवा करता है। फिर ये लोग ज़िंदगी और बाद ज़िंदगी दोनों में साहिब बरकत होते हैं। यानी कि जब तक दुनिया में रहते हैं तो भी बरकत और फजीलत का बाइस होते हैं और जब दुनिया से चले जाते हैं तब भी बरकत और फजीलत का बाइस होते हैं। तो उनके फिर वसीले से भी अल्लाह ताला उनकी लोगों की हाजतों को रवा करता है।